Okay, let's move on to third question. Evaluate sine square 63 degree plus sine square 27 degree over cos square 17 degree plus cos square 73 degree. I must say this is a very easy question. जो आपका game plan है question solve करने का, जो तरीका आपका वो मैं बता रहा हूँ, strategy क्या होनी चाहिए. आपको बस तीन relations use करना है. कौन कौन से? आपको मालूम है sin theta can be written as cos 90 minus theta. Likewise, cos theta can be written as sin 90 minus theta. And finally, you know the identity sin square theta plus cos square theta is equal to 1. बस इन तीनों को use करके हमको question solve कर लेना है. कैसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं question को as such copy करता हूँ. Sin square 63 degree plus sin square 27 degree, जो given है मैं as such अभी copy कर रहा हूँ, over cos square 17 degree प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री. अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए, फर्स्ट टर्म को तो मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, कोई चेंजेस नहीं किया मैंने. सेकेंड टर्म में मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर का जो सेकेंड टर्म है, 27 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 63, ठीक. लाइकवाइज डिनोमिनेटर में देखिए, मैं यहाँ पे करता हूँ कॉस स्क्वायर 17 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 73, ठीक. प्लस दूसरे टर्म को मैंने कुछ नहीं किया, आपको पहले बता चुका हूँ. जब कभी भी आपको दो टर्म ऐसे मिलते हैं जिनका जिनके एंगल्स का सम 90 होता है, यहाँ पे देखिए 63 प्लस 27 90 है, डिनोमिनेटर में 17 प्लस 73 19 होता है, तो ऐसे केस में हम सिर्फ एक को चेंज करते हैं, दूसरे को एज सच रखते हैं, फिर आंसर आ जाता है हमारा. तो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को मैंने एज सच रखा. अब देखिए न्यूमिनेटर विच इम्प्लाइज लिख देता हूँ मैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, आपको क्या पता है साइन जो 90 माइनस थीटा होता है, यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा. यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 क्या हो जाएगा, वैसे ही कॉस स्क्वायर 63 डिग्री. कैसे, आप समझ पा रहे हैं? एक्चुअली मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस 63 का होल स्क्वायर, और फिर साइन 90 माइनस 63 कैन बी रिटन एज कॉस थीटा, आई मीन कॉस 63, और फिर उसका स्क्वायर करेंगे आप तो यही आ जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री. तो मैंने लिख दिया. लाइकवाइज डिनोमिनेटर में आप देखिए कॉस 90 माइनस थीटा इज व्हाट, साइन थीटा, देयरफॉर ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर 73 डिग्री, बिकॉज थीटा हमारे पास 73 है. प्लस दूसरा टर्म एज सच कॉस स्क्वायर 73 डिग्री. अब आप देखिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इस आइडेंटिटी को फॉलो कर रहे हैं. थीटा की जगह न्यूमिनेटर में 63 लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, ये क्या हो जाएगा 1. डिनोमिनेटर भी इसको फॉलो कर रहा है, उसमें थीटा कितना है 73, तो न्यूमिनेटर भी आपका 1 हो गया बिकॉज ऑफ दिस आइडेंटिटी, एंड डिनोमिनेटर भी आपका क्या हो गया 1, एंड फाइनली यू नो 1 ओवर 1 इज व्हाट 1 इटसेल्फ. तो फाइनल आंसर जो है इसका, जो आपको इवेल्युएट करना था, वो कितना है 1. दिस इज आवर आंसर. इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन आई शुड से. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं.